वैसे जरूरी नहीं है लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें तो मूवी के स्टार्ट में हम मूवी के मेन कैरेक्टर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम ग्रे होता है और वो एक कार मैकेनिक था ग्रे की वाइफ एक बहुत बड़ी टेक कंपनी में काम करती है और उसके पास एक इलेक्ट्रिक कार भी है यहाँ ग्रे एक गाड़ी को रिपेयर कर रहा होता है जो की उसके एक रेगुलर कस्टमर की थी और आज उसे अपने कस्टमर को ये गाड़ी वापिस देने जानी थी इसीलिए ग्रे अपनी वाइफ को अपने साथ जाने के लिए मना लेता है ताकि वो वापसी पर अपनी वाइफ के साथ आ सके उसकी इलेक्ट्रिक कार में इसके बाद ये जा रहे होते हैं और इनकी इलेक्ट्रिक कार भी इनके पीछे आ रही होती है वहाँ पहुँचने पर ग्रे अपनी वाइफ को एक आदमी एरन से मिलवाता है तब ग्रे की वाइफ उसे देखकर काफी हैरान रह जाती है क्योंकि एरन एक काफी बड़ी टेक कंपनी का मालिक था यहाँ ग्रे की वाइफ उससे कहती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुझे एरन से मिलवाने ला रहे हो असल में एरन ही ग्रे का रेगुलर कस्टमर था और यहाँ हम देखते हैं कि एरन की नेचर थोड़ी अजीब थी लाइक उसे ये भी नहीं पता था कि जब किसी से मिलते हैं तो किस तरीके से मिला जाता है वजह ये थी कि वो अपने इतने बड़े घर से बहुत ही कम बाहर निकला करता था वो ज्यादातर अपने घर में रहकर कुछ न कुछ इन्वेंट करने में लगा रहता है इन्हीं इन्वेंशन में उसकी एक पावरफुल इन्वेंशन थी जो की एक ए यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप थी और यहाँ एरन इन लोगों को वो चिप दिखाता है और वो बताता है कि ये चिप कुछ भी कर सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारी पावर्स हैं। तब इस इन्वेंशन को देखने के बाद ग्रे और उसकी वाइफ अपनी इलेक्ट्रिक कार से घर वापस जा रहे होते हैं लेकिन तभी अचानक से उनकी कार अपने रास्ते से भटक कर दूसरे रास्ते पर चलने लगती है तब ग्रे भी नोटिस कर लेता है कि कार वहाँ पर नहीं जा रही जहाँ पर उसे जाना चाहिए तब ग्रे की वाइफ अपनी कार को वापस घर के रास्ते पर चलने के लिए कहती है लेकिन वो कार कहती है कि इसमें कोई खराबी हो गई है ग्रे मैनुअली कार की ब्रेक दबा कर उसे रोकने की कोशिश करता है जिससे कार रुकती नहीं बल्कि उसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है ये दोनों कार को रोकने की काफी कोशिश करते ते हैं लेकिन कार को नहीं रोक पाते जिसकी वजह से उनकी कार स्पीड ब्रेकर से टकरा जाती है और पलट जाती है लेकिन इस एक्सीडेंट में दोनों बच जाते हैं उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई थी और वो लोग कार से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमे से चार लोग बाहर आते हैं और वो इन दोनों को कार से बाहर निकाल कर पकड़ लेते हैं उसी जगह पर एक पुलिस ड्रोन कैमरा भी होता है जो इन लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं पहचान पाता यहाँ पर ग्रे उन लोगों से कहता है कि प्लीज हमें छोड़ दो और बदले में तुम बेशक हमारे सारे पैसे ले लो लेकिन वो लोग ग्रे की कोई बात नहीं सुनते और उनमें से एक आदमी ग्रे की वाइफ को शूट कर देता है इसके बाद वो ग्रे की स्पाइनल कॉर्ड तोड़कर चले जाते हैं ग्रे की वाइफ तड़प रही होती है लेकिन ग्रे कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं हिल पा रहा था और फिर ग्रे की आंखों के सामने ही उसकी वाइफ की मौत हो जाती है नेक्स्ट सीन में हम ग्रे को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसने तीन महीने तक एडमिट रहना था और फिर तीन महीने बाद ग्रे अपने घर वापिस आ जाता है और यहाँ पर ग्रे व्हील चेयर पर होता है क्योंकि वो पैरालाइज है अब क्योंकि ग्रे खुद तो कोई काम नहीं कर सकता था इसीलिए उसका काम करने के लिए उसके घर पर रोबो मशीन थी जो उसका सारा काम करती थी और जब से ग्रे पैरालाइज हुआ था उसकी मदर ही उसका ख्याल रख रही थी ग्रे को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि उसकी मदर उसका ख्याल रख रही है फिर एक दिन ग्रे और उसकी मदर एक डिटेक्टिव से मिलते हैं यहाँ ग्रे उससे अपनी वाइफ के किलर्स के बारे में पूछता है तो वो डिटेक्टिव कहती है की उनमें से अभी तक किसी का भी पता नहीं चल पाया और पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर रही है हम बहुत जल्द उन्हें ढूंढ लेंगे तब ग्रे ये सुनकर काफी डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्यूँकी काफी टाइम से ग्रे पुलिस ऐसी बस यही सुनता आ रहा है की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं अब क्योंकि ग्रे पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और वो इस तरह से जीना भी नहीं चाहता था तो इसीलिए वो रोबो मशीन की मदद से अपनी मेडिसिन की ओवरडोज ले लेता है और इसके बाद हम ग्रे को हॉस्पिटल में देखते हैं और यहाँ ग्रे से मिलने उसका वही रेगुलर कस्टमर आता है यानी एरन यहाँ एरन ग्रे को जीने की उम्मीद दिखाता है और कहता है ग्रे क्या तुम्हें याद है मैंने तुम्हें एक बार एक पावरफुल ए आई चिप दिखाई थी और अगर तुम उसे अपने अंदर इंसर्ट करवा लोगे तो तुम एक बार फिर से चलने के काबिल हो जाओगे साथ साथ बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो जाओगे लेकिन ग्रे एरन की इस ऑफर से इनकार कर देता है ये कहते हुए कि अब मैं ये जिंदगी नहीं जीना चाहता तब एरन उससे पूछता है कि अगर तुम्हारी वाइफ होती तो वो क्या तभी सुन कर ग्रे अपना डिसीजन बदल लेता है और एरन की ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है अब यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि एरन ग्रे के पास अपने मकसद के लिए ही आया था क्योंकि वो अपने एआई चिप को किसी की भी बॉडी में इंसर्ट करना चाहता था क्योंकि वो एक साइंटिस्ट था इसीलिए वो ये चेक करना चाहता था कि उसकी इन्वेंशन सक्सेसफुल है भी या फिर नहीं इसीलिए एरन वो चिप ग्रे की बॉडी में डालकर सीक्रेटली एक्सपेरिमेंट करना चाहता है क्योंकि गवर्नमेंट इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने की इजाजत नहीं देती नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एरन अपने घर में ही एक एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है यहाँ ग्रे की स्पाइनल कोड में वो चिप इंसर्ट की जाती है फिर ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद जब ग्रे रिकवर हो रहा होता है तो डॉक्टर उसके हाथ और पाँव को मूव करने की कोशिश करती है और ये चेक करती है की क्या ग्रे अपने हाथ और पाँव को अब महसूस कर पा रहा है या फिर नहीं तब ग्रे की हालत देख वो लोग सोचते है की शायद ये ए चिप इतनी जल्दी असर न करे तो इसीलिए उन्हें ग्रे और उस चिप को टाइम देना होगा और जब डॉक्टर ये बात एलन को समझा रही होती है तो तभी ग्रे अपने हाथ पाँव मूव करने लगता है तभी देखकर वो लोग काफी हैरान रह जाते हैं और अब ग्रे अपने दोनों हाथों को मूव कर पा रहा था और फिर देखते ही दिखते ग्रे अपने दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है तब खुद को ठीक होता देख कर ग्रे काफी खुश होता है एरन भी अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल होता देख कर काफी खुश हो जाता है फिर यहाँ पर एरन ग्रे से एक साइन करवाता है जिसमे वो किसी को भी नहीं बताएगा की वो चल सकता है अब। और उसे सबकी नजरों में पेरालाइज बनकर रहना होगा क्यूँकी अगर ऐसा हुआ तो सबको एरन के बारे में पता चल जाएगा और ग्रे की बॉडी ऐसी उस चिप को निकाल लिया जाएगा इसके बाद ग्रे अपने घर आ जाता है जहाँ उसे पता चलता है की उसके लिए डिटेक्टिव का भेजा एक पैकेज आया है जिसमे ग्रे की वाइफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसके केस ऐसी रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी और तभी अचानक ऐसी ग्रे को एक आवाज़ सुनाई देती है जो उससे कहती है की क्या मैं तुम्हें कुछ कह सकती हूँ ये आवाज़ सुनकर ग्रे अपने चारों तरफ देखने लगता है लेकिन उसे कोई भी नहीं दिखता वहाँ पर फिर कुछ देर के बाद वो आवाज़ कहती है कि मैं तुम्हारे अंदर की वो एआई चिप हूँ यहाँ पर ग्रे सोचता है कि शायद वो पागल हो गया है जिस पर वो चिप कहती है कि नहीं तुम पागल नहीं हुए हो यहाँ पर वो चिप ग्रे की हेल्प करने की कोशिश करती है ताकि ड्रोन की मदद से ग्रे को पता चल सके कि उसकी वाइफ को मारने वाले लोग कौन थे यहाँ पर वो चिप भी सब कुछ देख पा रही थी जो कि ग्रे अपनी आंखों से देख सकता था यहाँ पर वो चिप खुद भी वो वीडियो देखती है और ग्रे को भी दिखाती है और कहती है देखो ग्रे उन चारों में से एक की बॉडी पर टैटू बना हुआ है लेकिन ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिख रहा था इसीलिए ग्रे को कुछ भी पता नहीं चल पाता जिस पर वो चिप कहती है कि मैंने इस टैटू की एक क्लियर इमेज बना ली है और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें दिखा भी सकती हूँ तब ग्रे की परमिशन से वो चिप उस टैटो की एक क्लियर इमेज बना कर ग्रे को दिखाती है और जब ग्रे उस टैटो को देखता है तो उसे उस टैटो वाले आदमी के बारे में पता चल जाता है तब ये देख कर ग्रे काफी खुश हो जाता है क्यूँकी उसे अपनी वाइफ के किलर में ऐसी एक किलर का पता चल चुका था जो काम पुलिस ने महीनों ऐसी नहीं किया वो इस चिप ने एक मिनट में कर दिया तब ग्रे इस बारे में पुलिस को इन्फॉर्म करने का सोचता है तब वो जीप उसे याद दिलाती है कि तुम्हें एरन ने ये सब कुछ करने से मना किया था यानी जब तुमसे साइन करवाए थे क्योंकि सबको ग्रे के बारे में पता चल जाएगा और अगर ग्रे पुलिस को उस किलर के बारे में बताएगा तो पुलिस उल्टा उसी से पूछेगी कि तुम्हें कैसे पता तो इसीलिए ग्रे अब खुद वहाँ पर जाने का सोचता है ग्रे वहाँ पर पहुँच जाता है लेकिन वहाँ पर पुलिस ड्रोन थे इसीलिए ग्रे उन ड्रोन के सामने अपनी व्हील चेयर आरोप ही बैठा रहता है और जब ड्रोन वहाँ से चले जाते हैं तो ग्रे चुपके से वहाँ से निकलता है और वो किलर के डोर को ओपन करके घर के अंदर चला जाता है और वहाँ जाकर वो एविडेंस ढूंढने की कोशिश करता है और यहाँ पर ग्रे को पता चलता है कि उस किलर को किसी ने बहुत सारे मैसेजेस किए हैं लेकिन ग्रे इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं ता और एविडेंस ढूंढने लगता है ताकि उसे बाकी किलर्स के बारे में पता चल सके लेकिन इससे पहले की ग्रह कुछ ढूंढ पाता वहाँ पर उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है असल में वहाँ पर वो किलर था जो कि वापस आ गया था वो किलर देखता है कि उसके टेबल पर सारा सामान बिखरा हुआ है तभी वो किलर मिरर से ग्रे को देख लेता है इसीलिए वो उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे कैसे ढूंढा तब ग्रे इस बात का कोई जवाब नहीं देता और उससे पूछता है कि तुम बताओ मेरी वाइफ को किसने मारा था अब यहाँ पर वो किलर ग्रे पर भारी पड़ने लगता है इसीलिए वो जिप ग्रे से परमिशन मांगती है ताकि कि वो कुछ कर सके उसे बचाने के लिए और जैसे ही ग्रे उस चिप को परमिशन देता है तो ग्रे एकदम से उस किलर पर अटैक कर देता है और उसे काफी बुरे तरीके से मारने लगता है यहाँ पर ग्रे उस किलर को खुद के हवाले करने के लिए कहता है लेकिन वो किलर उस पर एक नाइफ से अटैक कर देता है तब तो वो चिप सारी सिचुएशन को संभालते हुए उस किलर को मार डालती है तब ये देख कर ग्रे काफी शॉक्ट हो जाता है क्योंकि वो उस किलर को जान से मारना नहीं चाहता था और तब वो चिप किलर को मारने के बाद बॉडी कंट्रोल ग्रे को वापिस दे देती है वो जिप ग्रे को कहती है कि मैं वो सब कुछ जानती हूँ जो तुमने यहाँ पर आते ही किया है इसीलिए जल्दी करो और अपने सारे सबूत मिटा दो अब यहाँ पर वो जिप जैसे कहती है ग्रे बिल्कुल वैसा ही करता है नेक्स्ट सीन में हम उसी डिटेक्टिव को देख पाते हैं जहाँ उस डिटेक्टिव को किलर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर एक वेपन इंसर्ट था और साथ साथ उसकी पूरी बॉडी में छोटी छोटी वायर्स थी इट्स मीन वो किलर एक अपग्रेडेड इंसान था जो किसी भी इंसान की निस्बत पावरफुल था उधर एरन ग्रे पर काफी गुस्सा करता है की तुमने उस किलर को क्यूँ मारा क्योंकि ये काम काफी रिस्की था वो कहता है की मैंने उस चिप को तुम्हारे अंदर इसलिए इंसर्ट नहीं किया की तुम इस तरह के काम करो और नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे वरना तुम्हारे अंदर ऐसी उस चिप को निकाल लिया जाएगा जिसके बाद तुम फिर ऐसी पेरालाइज बन जाओ उधर वो डिटेक्टिव ये पता लगवाने की कोशिश कर रही होती है कि उस किलर को किसने मारा तब डिटेक्टिव को पता चलता है कि जिस टाइम उस किलर का मर्डर हुआ तो उससे थोड़ा टाइम पहले ग्रे अपनी व्हील चेयर आरोप उसी एरिया में घूम रहा था नेक्स्ट सीन में हम डिटेक्टिव को ग्रे के पास उसके गैराज में देखते हैं तो वो डिटेक्टिव ग्रे को कहती है कि हमने तुम्हें तो उस टाइम में उस, उस एरिया में देखा है जिस टाइम में उस आदमी का मर्डर हुआ है वो कहती है कि हमें उस आदमी पर पहले से ही शक था कि उसी ने तुम्हारी वाइफ को मारा होगा क्योंकि हमारे पास उसका एक काफी बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है और वो उसी एरिया में रहता है जहाँ पर तुम्हारी वाइफ को मारा गया था और अब कल उसी आदमी का मर्डर हुआ है तब यहाँ पर ग्रे हैरान होते हुए कहता है ओ अच्छा लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि मैंने उसे मारा है तो ये गलत है क्योंकि तुम तो देख सकती हो मैं तो पैरालाइज लाइज हूँ और अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं तो तुम मेरी टांग पर चाकू मार कर देख सकती हो तब वो डिटेक्टिव इस बात आरोप हंसने लगती है और ग्रे को बाय कहकर वहाँ ऐसी चली जाती है तब डिटेक्टिव के जाने के बाद ग्रे थोड़ा रिलैक्स होता है और वो चिप ऐसी पूछता है की आगे क्या करना है तब वो चिप ग्रे को एक बार में जाने का कहती है। वो चिप कहती है कि मुझे उस बार के बारे में उस किलर के मैसेजेस से पता चला था कि ऐसा करने से तो एरन को तुम्हारे मूवमेंट्स के बारे में पता चल जाएगा जिसके बाद मुझे वो शट डाउन कर देगा लेकिन तुम जानते हो कि अगर ऐसा हुआ तो तुम दोबारा से हो जाओगे इसके बाद हम देखते हैं कि ग्रे उसी बार में जाता है बार में जाकर वो उस किलर का नाम लेकर सब लोगों को कहता है कि अगर कोई उस आदमी को जानता है तो हैंड्रेस करे और यही उस इंसान के लिए बेहतर होगा तब ये सुनकर उनमें से एक आदमी निकलता है जो ग्रे को अकेले में ले जाकर उसे उसकी व्हील ऐसी उठा जमीन पर गिरा देता है तब ग्रे उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है क्या तुम भी उनमें से एक हो जिन्होंने मेरी वाइफ को मारा था जिस पर वो आदमी कहता है कि हाँ मैं भी वहाँ पर था तब ये सुनकर ग्रे चिप को परमिशन दे देता है जिसके बाद वो चिप उसे बहुत मारती है ग्रे उससे उसका नाम भी पूछता है लेकिन वो नहीं बताता इसके बाद ग्रे की परमिशन से वो चिप उस किलर का फेस पूरी तरह से कट कर देती है और अब जब ग्रे उसका नाम पूछता है तो वो किलर अपना नाम बता देता है और वो कहता है कि इस काम के लिए मुझे एक आदमी फिस्क ने पैसे दिए थे लेकिन इससे पहले कि ग्रे उसे फिस्क के बारे में कुछ पूछ पाता वो आदमी वहीं पर मर जाता है उधर एरन चिप को शर्ट डाउन करने की कोशिश कर रहा था तब चिप ये बात ग्रे को बता देती है कि मुझे एरन शट डाउन करने की कोशिश कर रहा है इसीलिए हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा तब ये कहकर वो चिप ग्रे को एक हैकर के बारे में बताती है ताकि उस हैकर की मदद से एरन के इनपुट को हटा सके जिससे एरन का होल्ड खत्म हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा इसके बाद ग्रे उस हैकर के पास जाने लगता है और यहाँ पर वो चिप ग्रे को कुछ नए इनपुट बताती है जिन्हें ग्रे अपने हाथ पर नोट कर लेता है इसके बाद ग्रे उस हैकर के पास पहुँच जाता है और तभी ग्रे उस हैकर के एड्रेस पर पहुंच जाता है लेकिन एरन उस जिप को 30 परसेंट शर्ट डाउन कर देता है जिससे ग्रे की एक टांग पैरालाइज हो जाती है लेकिन ग्रे फिर भी हिम्मत करके ऊपर जाता है इसके बाद एरन फिर से जिप को शर्ट डाउन करता है जिससे ग्रे का एक हाथ और एक पाँव पेरालाइज हो जाता है लेकिन इससे पहले की एरन ग्रे को पूरी तरह ऐसी पैरालाइज कर देता ग्रे हैकर के डोर तक पहुँच जाता है इसके बाद एरन ग्रे को हंड्रेड परसेंट शट डाउन कर देता है मीन्स ग्रे को पेरालाइज कर देता है और फिर वो अपने दो आदमियों को भेजता है ग्रे को वापस लाने के लिए और तभी हम उसी बार में दो आदमियों को देखते हैं जिसमे एक तो वही आदमी था जिसने ग्रे की वाइफ को मारा था और दूसरा उसका साथी था अब ग्रे की वाइफ को मारने वाला यही वो आदमी है और इसी का नाम फिस्क है अब यहाँ पर फिस्क बार के ऑनर आरोप गुस्सा करता है क्यूँकी ग्रे उसके एक आदमी को मार गया और बार के ऑनर ने कुछ भी नहीं किया और यहाँ पर फिस्क उस बार के ऑनर को मार देता है असल में ये बार का ऑनर भी फिस्क के साथ मिला हुआ था लेकिन अब क्योंकि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया इसीलिए उसको मरना पड़ा यहाँ पर फिस्क को अपने साथी की आंखों में लगी कैप्चर डिवाइस से पता चलता है कि ग्रे इस टाइम कहाँ है इसके बाद फिस्क और उसका साथी वहाँ जाने के लिए निकलते हैं जहाँ पर ग्रे है जब ग्रे दरवाजे पर होता है तो वो हैकर वहाँ पर आती है और ग्रे को अंदर ले जाती है यहाँ पर ग्रे उसे पैसे दे देता है और चिप को रिपोर्ट करने के लिए वो इनपुट जो उसकी बाजू पर लिखे थे उसे डलवाता है यहाँ पर वो हैकर ग्रे को बताती है कि थोड़ी देर के बाद तुम्हारी अंदर जो चिप है वो रिबोट हो जाएगी तभी वो हैकर देखती है कि दो लोग यहाँ पर आ रहे हैं और वो दो लोग थे फिस्क और उसका साथी और तभी वहाँ पर एरन के भेजे दो लोग भी आ जाते हैं जिनके पास वेपन्स थे और जब फिस्क उनको देखता है तो वहीं पर ही मार देता है इसके बाद फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं जहाँ पर वो चिप ग्रे की बॉडी में फिर से रिबूट होने लगती है जिससे ग्रे का एक हाथ दोबारा से काम करने लगता है यहाँ पर फिस्क और उसका साथी दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि ग्रे क्रॉलिंग कर रहा है और तभी ग्रे को वहाँ पर अपनी वाइफ दिखती है और अचानक से गायब भी हो जाती है तब यहाँ पर ग्रे समझ नहीं पाता कि ये क्या हुआ और अब ग्रे की बॉडी में वो चिप पूरी तरह से रिबूट होकर एक्टिवेट हो जाती है इसीलिए ग्रे वहाँ से भागने लगता है तब यहाँ पर फिस्क का साथी भी उसका पीछा करता है इसके बाद ग्रे भागता हुआ बिल्डिंग के छत पर आ जाता है अब आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था इसीलिए ग्रे वहीं पर रुक जाता है यहाँ पर वो चिप अपनी पावर दिखाती है और बड़ी ही बेरहमी से फिस्क के साथी को मार देती है जब तक फिस्क वहाँ पर आता है तब तक ग्रे वहाँ से जा चुका था इसके बाद ग्रे जब अपने घर जाता है तो उसकी मदर दिखती है की उसकी पूरी बॉडी पर खून लगा हुआ है साथ साथ ग्रे अपने पैरों पर भी खड़ा हुआ है इट्स मेन अब वो पैरालाइज नहीं है और जब ग्रे की मदर उससे सबके बारे में पूछती है तो वो सब कुछ बता देता है कि वो किस तरह से एरन की चिप की वजह से दोबारा ठीक हो गया है साथ ही ग्रे अपनी मदर को इस बात को सीक्रेट रखने के लिए भी कहता है उधर एरन के हाथ से ग्रे और वो चिप निकल चुकी थी क्योंकि उस हैकर के इनपुट डालने के बाद एरन उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था फिर नेक्स्ट सीन में ग्रे अपनी वाइफ को अपनी आँखों के सामने जिंदा देखता है लेकिन अचानक से वो फिर से गायब हो जाती है तो वो चिप उसे बताती है कि ये तुम्हारा नाइटमेयर है इसके बाद ग्रे की मदर वहाँ पर आकर उसे बताती है कि वो डिटेक्टिव आई है यहाँ पर डिटेक्टिव ग्रे को कहती है कि तुम्हारी व्हील चेयर उस जगह से मिली है जहाँ पर दूसरा मर्डर हुआ है तो तुम इस बारे में क्या कहोगे इस पर ग्रे कहता है हां, मैं वहाँ पर था लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा तब डिटेक्टिव उससे कहती है कि तीन लोग मारे जा चुके हैं और तीनों वही है जिन पर हमें शक था कि उन्होंने ही तुम्हारी वाइफ को मारा होगा और हर बार तुम वहाँ पर पाए जाते हो जहाँ पर मर्डर होता है तो हो सकता है तुम किसी को पैसे देकर ये सारे मर्डर्स करवा रहे हो तब ग्रे उसे कहता है कि अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मेरी कॉल रिकॉर्ड चेक कर सकती हैं। तब यहाँ पर वो डिटेक्टिव कुछ नहीं कह पाती और चुपके से ग्रे की पॉकेट में माइक्रोफोन डालकर चली जाती है तब डिटेक्टिव की वहाँ से जाते ही ग्रे काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि अब मुझे ये सब कुछ बंद करना होगा तो वो चिप कहती है कि हमें उस आखिरी आदमी को मारना है यानी जिसका नाम फिस्क है क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो वो हमें मार देगा इसके बाद वो चिप ग्रे को कहती है की उस हैकर ने इनपुट्स ठीक तरह से एंटर नहीं किए और इसी वजह से अब मैं जो चाहूँगी मैं कर सकती हूँ इसका मतलब ये है कि अब वो चिप ग्रे की परमिशन के बगैर वो सारे काम कर सकती है जिसमें ग्रे का फायदा हो यहाँ पर वो ग्रे और चिप जो भी बात कर रहे होते हैं डिटेक्टिव भी वो सब कुछ सुन पा रही थी उस माइक्रोफोन की मदद से लेकिन यहाँ पर डिटेक्टिव को ये बात समझ नहीं आती कि ग्रे जिससे बात कर रहा है आखिर वो है कौन इसके बाद ग्रे एक गन लेता है और फिस्क को मारने के लिए जाने लगता है उसकी मदर उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है यहाँ पर डिटेक्टिव भी ग्रे का पीछा करने लगती है इसके बाद ग्रे को अपनी पॉकेट से वो माइक्रोफोन मिल जाता है तब वो चिप कहती है कि ये माइक्रोफोन जरूर उस डिटेक्टिव नहीं रखा होगा तब ग्रे उससे पूछता है कि इस बारे में तुम्हें कैसे नहीं पता चला जिस पर वो चिप कहती है क्योंकि इसमें कोई भी डिजिटल पार्ट नहीं है इसके बाद ग्रे माइक्रोफोन फेंकता है और उसको पता चलता है कि डिटेक्टिव उसका पीछा कर रही है तब डिटेक्टिव से पीछा छुड़वाने के लिए वो चिप एक इलेक्ट्रिक कार को हायर करती है और डिटेक्टिव की गाड़ी से एक्सीडेंट करवा देती है जिससे ये डिटेक्टिव को पीछे छोड़ देते हैं इसके बाद डिटेक्टिव ग्रे की मदर के पास जाती है और इस के बारे में पूछती है जो वहाँ पर चल रहा था उधर ग्रे भी फिस्क को ढूंढ लेता है और वो गन पॉइंट पर उसे पूछता है कि मेरी वाइफ को तुमने क्यों मारा जिस पर फिस्क कहता है कि हमारा काम सिर्फ तुम्हारी स्पाइनल कोड को तोड़ना था और तुम्हारी वाइफ बेचारी बेमौत ही मारी गई तभी ये सुनकर ग्रे को गुस्सा जाता है और अब फिस्क और ग्रे के बीच में फाइट होने लगती है और यहाँ पर ग्रे फिस्क को भी मार देता है और उसके बाद उसका फोन चेक करने लगता है तो फोन से ग्रे को पता चलता है कि इस सब सबके पीछे कोई और नहीं बल्कि एरन है उसी ने ही ग्रे की वाइफ को मरवाया और ग्रे को पैरालाइज कर दिया और अब ग्रे बगैर कुछ सोचे एरन को मारने के लिए उसके घर में जाता है लेकिन इससे पहले कि ग्रे एरन को मार पाता पीछे से डिटेक्टिव आकर ग्रे को गन फेंकने के लिए कहती है और जैसे ही डिटेक्टिव ग्रे के पास आती है तो ग्रे डिटेक्टिव को गिरा देता है अब यहाँ उस डिटेक्टिव को ग्रे मारना नहीं चाहता था लेकिन वो चिप मारना चाहती थी यहाँ पर ग्रे उस चिप को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नाकामयाब ही रहता है अब मौके का फायदा उठाकर डिटेक्टिव ग्रे को शॉक दे देती है जिससे ग्रे फिर से पैरालाइज हो जाता है और यहाँ पर होता है मूवी का मेन प्लॉट रिवील यहाँ पर एरन कहता है कि इस चिप को मैंने बनाया था और तुमसे मैं इस चिप से बातें करता था और मुझे इस चिप ने बताया कि वो इंसानों की तरह बनना चाहती है और इसीलिए इस चिप ने तुम्हें चूज किया और उसी ने ही तुम्हारी वाइफ की कार को हैक करके उसका एक्सीडेंट कर दिया और हॉस्पिटल में मैंने तुम्हें जो भी कहा था जब तुम्हें मैंने वो ऑफर दी थी तो वो सब कुछ मुझे चिप ने करने को ही कहा था तब ये बातें सुनकर ग्रे काफी हैरान हो जाता है यहाँ पर एरन बताता है कि ये सारा प्लान चिप का था और अब वो मुझे मारना चाहती है क्योंकि अगर मैं जिंदा रहा तो उसी के जैसी एक और एआई चिप बना दूंगा और चिप ये नहीं चाहती कि उस जैसा और कोई भी हो और इसीलिए वो मुझे मारना चाहती है और यहाँ पर वो चिप कहती है कि हाँ ये मेरा ही प्लान था मैं जिंदा इंसान बनना चाहती थी और इसीलिए मैंने ये सब कुछ कर दिया और इस बार उस चिप की बातों को एरन और डिटेक्टिव भी सुन पाते हैं यहाँ पर वो चिप एक बार फिर से एक्टिवेट हो जाती है और वो फौरन एरन को मार देती है और वो चिप डिटेक्टिव को भी मारने की कोशिश करती है और यहाँ पर ग्रे खुद को रोकने की काफी कोशिश करता है और इसके बाद ग्रे खुद को शूट कर लेता है जब ग्रे की आँख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल के बेड पर पाता है यहाँ पर वो चिप को आवाज देता है लेकिन उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और तभी उसकी वाइफ भी उसके सामने ही होती है उसकी वाइफ उसे बताती है की हमारा एक्सीडेंट हो गया था और तुम बहुत दिनों से बेहोश थे तो फिर क्या ये सब कुछ एक ड्रीम था बिल्कुल नहीं क्योंकि अब मूवी फिर से उसी सीन पर आ जाती है जहाँ वो चिप उस डिटेक्टिव को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थी तब वो डिटेक्टिव ग्रे को होश में लाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो वो चिप कहती है कि ग्रे अब यहाँ पर नहीं है और वो बहुत अच्छी जगह पर है अपने ही दुनिया में अपने माइंड की दुनिया में जहाँ उसे होना चाहिए और अब इस बॉडी पर मेरा कब्जा है और ये कहकर वो चिप डिटेक्टिव को शूट कर देती है और इसके बाद ग्रे यानी वो चिप वहाँ से जाने लगती है और उसके जाते ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है थैंक यू फॉर वॉचिंग